हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिनी गाराम। आज का ये ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक सॉइंग मशीन कैसा स्टार्ट किया जाता है और कैसा यूज़ किया जाता है। ये जो बिगिनर के लिए है, जो स्टार्ट करना नहीं आ रहा और जो लोग स्टार्ट करने में कंफ्यूज होते हैं कैसे स्टार्ट करना है, और ये जो मशीन नहीं लिया है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करे, कैसे यूज़ करे, तो मैं आज ये वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा सब बताऊंगी। तो मेरे वीडियो पे बने रहे। तो मेरे पास है उषा कंपनी का इलेक्ट्रिक सॉइंग मशीन। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, बस वो इलेक्ट्रिक हो, और सभी प्रोसीजर सेम ही होते हैं जो भी कंपनी का है, बस सेम प्रोसीजर होते हैं। तो मैं आज इसी से बताऊंगी कि इसे कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मशीन और ये है फूड कंट्रोल। इसे आप पहले कनेक्ट करें। ये है आपका पाँव के पास होना चाहिए, आपके फूड के पास होना चाहिए, और इसे हम नीचे रख देते हैं इस तरह। तो आप अपने पाँव को ऐसा हल्का सा पुश करना है इसे जब स्टार्ट कर रहा होते, और मशीन के पीछे जो है ऑन ऑफ का बटन है, और आपको यहाँ कनेक्ट करने के लिए यहाँ दिया गया है, और इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं ये चीज से। इसे कनेक्ट करने के बाद आप ऐसे स्विच बोर्ड पे कनेक्ट करें और इसे ऑन कर दें। बटन ऑन करने के बाद आप मशीन के ये ऑन ऑफ में है जाके ये ऑन को दबाएं, तो आपकी मशीन की लाइट जो है वो जल जाएंगी। इसे बाहर तेल के बाहर निकाल दें और यहाँ जो लॉक है उसे खोले। बॉबिन केस को इसे बाहर रखें, बाहर की ओर खींचे तो ये बाहर आ जाएगा, और इसे अंदर का जो बॉबिन केस है इसे बाहर निकाल दें। हैंड व्हील को बाहर की ओर खींचे और मशीन के पीछे जो है स्पूल पिन है इसे बाहर की ओर तैरें और यहाँ धागा लगा देगा। धागा हम चारों ओर लपेट के ले जाएंगे, यहाँ पहले और इसके ऊपर, फिर हम बॉबिन केस की जो होल है वहाँ हम ये होल से दूसरे होल की तरफ धागे को निकालना है। इस तरह हम धागे को निकाल देंगे और यहाँ हम डालेंगे इन्हें राइट तरफ की ओर फैले ऐसा। फिर हम धागे को आप सही पोजीशन पे पकड़े रखें और फूड कंट्रोल को है आप स्टार्ट करना है ऐसा। बढ़ जाने के बाद आप कट करें और इसे बाहर निकाल दें, और हैंड व्हील को है अंदर की ओर तैल दें और इसे बॉबिन केस के अंदर डालें, और जो धागा है यहाँ ये होल में आप अंदर की ओर खींचे, और यहाँ से ऐसा होना चाहिए इसका। ऐसे ओपन करें बॉबिन केस को अंदर की तरफ रखें जैसा,
बंद कर दें। और जो धागा है यहाँ से पहले यहाँ लगाए, फिर ये जो है यहाँ से नमा के वापस ऊपर के साइड लेफ्ट साइड ले जाए और हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाए और ये जो ऊपर आएंगे तो इसमें आप धागा को लपेटे फिर नीचे की ओर ले जाए। फिर धागा को ये जो छोटा सा हुक के यहाँ पे लगाए ऐसा, फिर आप मिडल से बाहर निकाल देते इस तरह। धागे को ऊपर लाने के लिए इसे आप पकड़े रखें और जो हैंड व्हील है वो अपनी तरफ घुमाए इस तरह। निकल्स ऊपर हो जाने के बाद अब धागे को हल्का सा खींचे, अंदर की धागे बाहर आ जाएगा। तो ये आपका स्टिचिंग करने के लिए रेडी है। चाहे तो इन्हें आप वापस लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, तो मैं लगा देती हूँ। ये है आपका पैटर्न सिलेक्शन। आप यहाँ से कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ पैटर्न दिखाती हूँ अभी के लिए। तो मैं यूज़ करूँगी 1 का। तो ये था 1। तो मैं कुछ और ट्राई करती हूँ अभी। मैं ट्राई करती हूँ 4 नंबर, तो इस तरह से घुमाए और अभी 4 का स्टिचिंग करेंगे हम। ये 4 का अब कुछ और ट्राई करती हूँ। तो मैं ट्राई करूँगी नंबर 6। ऑलमोस्ट 6 और 5 ऑलमोस्ट सेम है। तो ये है 6 नंबर। तो ऐसे करके आप कोई भी पैटर्न यहाँ से यूज़ करते हैं। पैटर्न सिलेक्शन करने का है ये, तो आप जो भी पैटर्न आपको चाहिए यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब बताऊँगी इसके बारे में। ये है रिवर्स बटन, जो आप स्टिचिंग करते वक्त वापस अगर रिवर्स स्टिचिंग करना है तो आप इसे नीचे की ओर फैले और इसे आप कंटिन्यू स्टिच करें तो ये रिवर्स स्टिच हो जाएंगे। अब आप सीख गया है तो घर पे ट्राई कीजिए। इसे चलाना बहुत इजी है। तो अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन है और कुछ जानना है तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करें मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और कमेंट कीजिए अगर कुछ जानना रहेगा तो, कमेंट भी कर सकते हैं। आज के ब्लॉग को यही तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय।